राजस्थान में कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं। आपको बता दें, प्रदेश के 24 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। प्रदेश की अगर बात की जाए तो आज 26 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले यहां पर सामने आए। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 489 पर पहुंच गई। बांसवाड़ा में 12, जैसलमेर में 8, झालावाड़ में 3, अलवर, कोटा और भरतपुर में 1-1 कोरोना के पॉजिटिव मरीज अभी तक सामने आ गए हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता लोकेश ओला मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, आए दिन यहां पर लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों का इजाफा ही देखने को मिल रहा है, आज भी 26 केसेस। बिल्कुल, इस तरह से लगातार कोरोना का दायरा फैलते से बढ़ता जा रहा है और उसी वैसे ही चिकित्सा विभाग की जो चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज प्रदेश में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं और अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या प्रदेश में बढ़कर 489 हो चुकी है, जो बड़ी संख्या मानी जा सकती है। इसी तरह बात करें तो बांसवाड़ा में जहां पहले कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आ रहे थे और वहां अब एक साथ 12 कोरोना पॉजिटिव लगातार सामने आ रहे हैं, वो बड़ी चिंता की बात है। इसी तरह जैसलमेर में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, झालावाड़ में 3, कोटा, अलवर और भरतपुर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं प्रदेश के 24 जिलों में अब तक जो कोरोना का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिस तरह से बाड़मेर में नहीं था, लेकिन बाड़मेर में कल पहला कोरोना का पॉजिटिव मरीज आया और उसी के बाद में वहां पर भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। वही बात करें जयपुर में, सबसे अधिक जयपुर में अब तक 168 है कोरोना पॉजिटिव वो सामने आ चुके हैं। जो बड़ी संख्या सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव वो माने जा रहे हैं जयपुर के, चार दीवारी से बाहर भी अब कोरोना के पॉजिटिव वो बड़ी संख्या में मिलने लग गए, तो एक चिंता की विषय बनता जा रहा है। इसी तरह जोधपुर में भी 34 कोरोना के पॉजिटिव है वो अब तक मिल चुके हैं। भीलवाड़ा में 28 कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। इंजुन में 31, टोंक में 27, बीकानेर में 20 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में 4 दिन पहले कोई कोरोना पॉजिटिव टेस्ट नहीं था और अब 27 कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो वहां मिल चुके हैं अब तक। झालावाड़ में 12, कोटा में 18 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं, बांसवाड़ा में 24 कोरोना पॉजिटिव। इस तरह से लगातार जो प्रदेश के 24 जिलों में कोरोना पॉजिटिव की जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। साथ साथ ही इसी जो संदिग्ध मरीजों की संख्या भी दुगनी होती जा रही है। इसी तरह बात करें तो अब तक प्रदेश में 19,107 कोरोना पॉजिटिव के जो सैंपल है वो लिए, संदिग्धों के सैंपल लिए गए, उनमें से 17,870 की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है। वही 767 कोरोना के जो सैंपल लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। हालांकि उसमें भी चिंता ये है कि कहीं ना कहीं कोरोना की जिस तरह से लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनमें भी जो सैंपल रिपोर्ट आना बाकी है उनमें भी जो पॉजिटिव की रिपोर्ट जो मामले हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो संदिग्ध मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा है और वहां से लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है उनकी भी बड़ी संख्या है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में अब तक करीब 3,000 के करीब लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका है, जो एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। जिस तरह से जयपुर की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10,000 क्वारंटाइन बनाने का जो निर्देश दिया था उसी में जो जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की थी और अब जयपुर के जो अधिकतर होटल हैं उनमें क्वारंटाइन करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और बात करें तो जयपुर के जो रिहायशी इलाके उनमें भी अधिकतर जो होटलों के वास्ते क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। इस तरह से चिकित्सा विभाग पूरी मुस्तैदी से और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, लेकिन लगातार कोरोना के जो पॉजिटिव केस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद लोकेश। प्रदेश से आपको कोरोना की ताजा अपडेट हम दे रहे हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 489 पर पहुंच गई है। आज भी अभी तक 26 केसेस पूरे प्रदेश भर से यहां पर कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों के पॉजिटिव जो लोग हैं उनके दर्ज कर लिए गए हैं।